हूँ तो जमीन जी है रूटीन चीज भी आप जमीन खरीदते हैं बेचते हैं उस तरह बेची है, पर लेकिन सरकार तो उन्होंने कई गुणा जो मुआवजा मिलना से मुआवजे तो रह गया। जिन्हों ये गल का पता सगा कि आ जमीन जी आ इस जमीन के उत्ते रोड बनना गा वो जमीन जी सस्ते भाते किसानों तो लै ली और हुण महंगे भाव का मुआवजा जोड़ा है वह लैन गए। 14-3 पावर ऑफ अटॉर्नी लई 14-3 ही उसकी सेल डीड हो जाती है, सेम डे ते 14-3 ही उसका इंतकाल हो जाता गा। जिहड़ी जमीन मनजीत कौर दी आ उहदी जिहड़ी कीमत सरकार ने पे करनी आ वो आ 1,88,00,000, जबकि उन्हें पैसे किन्ने मिलने सिर्फ तो सिर्फ 61,00,000। पंजाब विच अनलॉक 1 शुरू होंदिया ही आम आदमी पार्टी भी सरगर्म हो गई है। पार्टी आगुआ ने कैप्टन दे वजीरां नूं घेरना शुरू कर दिता है। असल विच आपने हुण पंजाब विच हो रहे एक नवे कथित घोटाले का पर्दाफाश किया है, जिस विच कैबिनेट मंत्री गुरप्रीत सिंह कांगड़ नूं निशाना बनाया गया। मामला बठिंडा तो अमृतसर नूं जोड़न वाले नैशनल हाईवे नंबर 105B लई जमीन अक्वायर विच घोटाले दा है। आप विधायक हरपाल चीमा ने दोष लाया कि इस जमीन घोटाले नूं सूबे दे माल मंत्री गुरप्रीत सिंह कांगड़ अते मोगा तो कांग्रसी विधायक हरजोत कमल सने होर कांग्रसी लीडर अफसर अते हाई प्रोफाइल लैंड माफिया ने अंजाम दिता है। जिहड़ा पहला नोटिफिकेशन जारी होया सी, मैं तुहानूं पहलां दस्सिया कि 10-1-2020 नूं होया सीगा, उस तों बाद नवंबर 2019 तों लैके मई जिहड़ा हैगा 2020 तक, यानी कि इस दौरान लगभग 55 तों वध लगभग मोर दैन 55 जड़ियाँ सेल डीड रजिस्टर्ड होइयां रजिस्टरियां बनिया, लोगों ने जमीन खरीदी, वो जमीन खरीदी जिहड़ी जमीन का मुआवजा किसानों नूं मिलना सी जेकर उन्होंने ना होंगी। ये अगे जाके मैं एग्जाम करूँगा तुहानूं एग्जाम्पल देऊंगा उदाहरण भी किहड़े किस कारण ने फ्राड होया। सो मेजर जिहड़ी जमीन आ इहदे च बहुत वड्डा एक होर आ कि जिहड़ी जमीन आ जिहड़ी एग्रीकल्चर जमीन आ जिहड़ी खेतीबाड़ी वाली जमीन आ उहनूं खरीद के उहनूं कमर्शियल बना के पंजाब सरकार तो गौरमेंट ऑफ इंडिया तो मुआवजा लिया लेना गा, उन्हें कमर्शियल बनाया जा रहा, उन्हें तब्दील किया जा रहा, जिहड़ी आ जिहड़ी किस्म आ वो तब्दील की जा रही है ताकि जिहड़ा मुआवजा वध तो वध लिया जाए। इहदे नाल एक तो सरकारी खजाने नूं बहुत वड्डी पद्धर ते चूना लगेगा क्योंकि एग्रीकल्चर जमीन का रेट घट हुंदा, कमर्शियल जमीन का वध हुंदा, और दूजा जिहड़े जमीन जिहड़े किसान ने जमीन बेचती उन्हें तो आम नॉर्मल भाते जमीन बेची आ, उन्हें तो जमीन जी है रूटीन चीज भी आप जमीन खरीदते हैं बेचते हैं उस तरह बेची है, पर लेकिन सरकार तो उन्होंने कई गुणा जो मुआवजा मिलना से मुआवजे तो रह गया। वह जिहड़ा है मुआवजा गा वो ये जिहड़ा लैंड माफिया गा जिहड़े ऑफिसर साहबान ने जिहड़े पॉलिटिशियन ने जिन्हां नूं पता सीगा जिहड़े कनगो तो लैके पटवारी तो लैके तहसीलदार तक SDM तक DC तक जिन्हां नूं ये गल का पता सीगा कि आ जमीन जी आ इस जमीन के उत्ते रोड बनना गा वो जमीन जी आ सस्ते भाते किसानों तो लै ली और हुण महंगे भा का मुआवजा जोड़ा है वो लैन गए। ये मैं समझदा बहुत सारे किसान जिहड़े गरीब ने जिहड़े इलिटरेट ने जिहड़े अनपढ़ सी जिन्हां नूं पता नहीं सीगा कि इत्थे रोड निकलनी उन्हां नूं बहुत वड्डा चूना जिहड़ा लग्गिया। हरपाल सिंह चीमा ने दोष लाया कि इस पूरे घोटाले विच ना सिर्फ कैबिनेट मंत्री गुरप्रीत सिंह कांगड़ सगों विधायक हरजोत कमल सने उन्हां दे दोस्त मित्र भी शामिल ने। चीमा ने खुलासा किया है कि मोगा जिले नाल संबंधित मनजीत कौर की कथित 30 मरले जमीन की 61,00,000 रुपए च 14 मार्च 2020 पावर ऑफ अटर्नी करवाई गई थी। इसे दिन ही सेल डीड इंतकाल करके 24 घंटे के अंदर कानूनी कागजा की मलकियत ही बदल दी गई। उन्होंने दोष लाया कि मनजीत कौर तो यह जमीन सिर्फ 61,00,000 रुपए में खरीदी गई, जबकि मनजीत कौर को जमीन अक्वायर वेले इसका मुआवजा 1,88,00,000 रुपए मिलना सी। 2017 तो पहले भी जिन्नी रोड़ा चाहे NH 71 निकली सी चाहे NH 64 निकली सी 64 ते 71 उदों भी बहुत वड्डा कपड़ा होया सी, उदों भी जिहड़े आम लोग सीगे उहनां नूं बरगला के उहनां दी नासमझी दा फायदा उठाउंदे होए उस समय दी सरकार दे मिनिस्टरां ने MLA साहिबान ने और जिहड़े होर व्यक्ति सी जिहड़े दलाल सी जां जिहड़े लैंड माफिया चलाउंदे सी उहनां ने जिहड़ा हैगा बहुत वड्डी ठगी पंजाब दे लोकां नाल मारी सीगी। सरकार ने वादा कीता सीगा कि असीं इहदी जांच करावांगे, पर अफसोस दी गल आ कि कोई जांच नहीं होई, सब नूं क्लीन चिट मिल गई। हुण उसे तरहां दा उसे स्टाइल दे विच इह भी कपड़ा नवां सामने आया गा। इह जिहड़ी माल महकमे के मिनिस्टर साहबान
माल महकमे के मिनिस्टर साहबान गुरप्रीत सिंह जी कांगड़ उन्होंने हल्के का हिस्सा इस जिहड़ी जमीन अक्वायर हुई है ये आता गा ये नाल दी नाल दूजे MLA साहबान जिहड़े MLA साहबान ने मोगे तो हरजोत कमल जी का हिस्सा बहुत आता गा और हरजोत कमल जी के रिश्तेदार दोस्त मित्र उन्होंने काम करते व्यक्ति इस लैंड माफिए शामिल ने सारिया ने अपने इस लैंड माफिए अपने हाथ रंगे हुए ने सारे व्यक्ति जोड़े है गे उन्होंने अपने रिश्तेदारों के नाम से अपने दोस्तों के नाम से बेनामी ट्रांजैक्शन करके जो सरकार का भी चूना लाया और आम भोले भाले लोगों बुरी तरह लुटिया एक रजिस्ट्री आ मैं दिखाना थानू मनजीत कौर विधवा की जमीन खरीदी गई आ 14/3/2020 जमीन खरीदी गई आ जमीन की पावर ऑफ अटॉर्नी लई आ कि तेरी जमीन असं अगे बेच सकते हैं 14/3 पावर ऑफ अटॉर्नी लई 14/3 ही उसकी सेल डीड हो जाती है सेम डे ते 14/3 ही उसका इंतकाल हो जाता गा उसकी म्यूटेशन चेंज हो जाती है यानी कि प्रशासन 24 आवर के सारी जमीन का जोड़ा है मलकीयत चेंज कर देता जबकि आम तौर पर आ भी जो तो जमीन खरीदते हैं तो महीना दो महीने तो बाद वेरीफिकेशन होंगी आ पटवारी जाते हैं कि कनगो जाता गा पट होने तो बाद जी म्यूटेशन चेंज होंगी पर लेकिन ये की आ सेल डीड सीधी नहीं हुई सेल डीड होने तो पहले पावर अटॉर्नी ले गई पावर अटॉर्नी लैन तो बाद सेल डीड उस दिन जेकर बहुत बड़ा सवाल आ कि जेकर उस व्यक्ति ने मनजीत कौर ने जमीन बेची थी जेकर वो जमीन जी उन्होंने पावर अटॉर्नी कराने की लोड़ सी जेकर उन्हें सेल डीड करवानी सी जो उस दिन सेल डीड होनी सी तो फिर वो पावर अटॉर्नी ना करवाई इस गल का संकेत आ कि हाँ उस औरत ना घपला होया क्योंकि वो विधवा गई वो बच्चा जोड़ा है वो इस काबल नहीं है कि उन्होंने अंडरसटैंड कर सके किसी ना किसी कारण सो उसकी जी जमीन की कीमत आ वो जमीन की कीमत उदू दी गई 61 लाख रुपया 61 लाख रुपये जोड़े है गे उन्होंने नाँ पर जी हुई आ पर लेकिन उसकी जी बाजारी कीमत आ जी उसकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जरा नैशनल हाईवे अथॉरिटी आ जी पे कर दी वो 1,88,00,000 जी जमीन मनजीत कौर की आदि जी कीमत सरकार ने पे करनी आ 1,88,00,000 जबकि उन्होंने पैसे किन्ने मिलने सिर्फ तो सिर्फ 61 लाख हजे जो पैसे रेंदे भी ने चलो उन्होंने डिस्प्यूट बिटवीन होना गा पर लेकिन जी बड़ा उदाहरण इस गल कि इस व्यक्ति की जमीन मनजीत कौर की जमीन जी 61 लाख की रजिस्ट्री हुई कीमत गौरमेंट ने अदा करनी आ 1,88,00,000 सो इस गल का स्पष्ट आ कि किड्डा वड्डा जिहड़ा स्कैम जिहड़ा सामने आ रहा विरोधी धिर दे आगू हरपाल चीमा मुताबिक विधायक हरजोत कमल दे पिंड अजीतवाल विच बनी एक निजी बैंक राही करोड़ां रुपए का लैण देण किया गया विरोधी धिर ने इल्जाम लाया कि यह विक्री इकरारनामा रजिस्ट्रियां या पावर ऑफ अटर्नी अणजाण किसानों तो किसी होर ने नहीं सगों इन्हां ही सियासी लीडरां अते अफसरां ने अपने रिश्तेदारां दोस्तां दे नाल काम करन वाले करीबियां दे नां ते करवाईए आम आदमी पार्टी ने इस पूरे स्कैंडल की जांच हाई कोर्ट के मौजूदा जज तो करवाउण दी मांग कीती है मनजीत कौर ते उन्हां दी नूह ने मोगे दे विच इस गल दा खुलासा कीता कि साडे नाल बहुत वड्डी ठगी होई आ पर लेकिन पंजाब सरकार ने इस ते कोई भी जिहड़ा हैगा स्टैप नहीं लिया हैगा सो इस गल करके अज असी पंजाब सरकार नूं कैप्टन साहब नूं बेनती करदे आ कि इस मामले की जांच पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के सिटिंग जज तो होनी चाहिए आ क्योंकि ये पहला भी इस तो पहला भी एक स्कैम होया सी तुहानूं याद होगा कि मोगे दे विच गुरु ग्रंथ साहब के नाँ पर बोलती जमीन गुरु ग्रंथ साहब के नाँ पर बोलती जमीन जदों नैशनल हाईवे 71 होने आया सी उदों भी घपला सामने आया सी कि गुरु ग्रंथ साहब के नाँ पर बोलती जमीन का जाली व फर्जी रिकॉर्ड तैयार करके वो जी जमीन है बेची गई आ उहदी जिहड़ा मुआवजा लिया गया और उस समय भी जिहड़ा हैगा उहदा हजे तक जिहड़ा हैगा कोई भी दोषी नहीं फड़िया गया और इस तो बिना मोगे दे विच मैं होर दो एग्जाम्पलां देऊंगा कि मोगे दा एक मिशन स्कूल सीगा ये गुरु ग्रंथ साहब की जमीन की गल आ 71 दे विच जिहड़ा नैशनल हाईवे 71 दा उहदा कपड़ा सीगा कोई कार्रवाई नहीं हुई हैगी ये 2017 तो अकाली दल वेले दा कपड़ा गा उन्होंने किया सीगा सो उस तो बिना मिशन स्कूल एक मोगे दा मिशन स्कूल जिहड़ा कि 100 साल तो पुरातन स्कूल आ जिहड़ा बहुत वड्डा स्कूल सीगा बहुत पुराने समय तो काम करता सीगा मिशन स्कूल का नाम बजता गा सो उहदा भी कपड़ा सामने आया सी उस समय विधानसभा का सैशन चल रहा सीगा उस सैशन के दौरान
ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਟੈਂਪਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਫਰਜ਼ੀਵਾ ਜਾਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਲਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੈਂਟਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਹ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਇਹ ਪਲਾਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੋਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੋਗੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੋਗਾ ਸੈਕਸ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਗਾ ਗਾ ਉਹ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਆ। ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮਾ, ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਾਂਗੜ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 71 ਯਾਨੀ 71 ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ 'ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਗੋਆਂ 'ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੱਕੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਰੋਡ ਦੀ ਜਦੋਂ ਲੈਂਡ ਅਕੁਆਇਰ ਹੋਣੀ ਆ ਉੱਥੇ ਲਾਏ ਗਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ, ਜਿਹੜੇ ਘਪਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਹਰ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਮਾਹਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਵਾਮਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੰਬਰ 105B ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਕੁਆਇਰ ਹੋਈ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਕੈਂਡਲ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ, ਇਸ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਆ, ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਮਾਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਹੋਰ ਭਖਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ।